राजू पिता मार्केट इधर स्टार्ट कर ला मार्केट व्यवसायिक समिति शहीद हरिमंदर सर ने বিজেপি অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টির দলে থেকে যে সংসদ হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন মাননীয় রাজু বিশ্বাস মহাশয়, যিনি আমাদের মধ্যে আছেন, আমাদের সাথে মিলিত হবেন, আমাদের কিছু কথা বলবেন, সম্বোধনে যাবেন আমাদের সম্পাদক মাননীয় প্রদীপ রায় মহাশয়। এখন আমাদের সভাপতি কানাইলাল সরকার মহাশয় আমাদের সংসদকে ধাঁধা পড়িয়ে দিয়ে সম্বোধন জানাবেন। প্রথমে আমাদের সভাপতি কানাইলাল সরকার মহাশয় এই আগমনকে উদ্দেশ্য করে দুই চার কথা বলবেন। নমস্কার, আজকে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের দার্জিলিং জেলার সংসদ মাননীয় শ্রী রাজু বিশ্বাস মহাশয়। আজকে আমরা ভীষণভাবে আনন্দিত যে আজকে আমাদের এই হকার স্মরণে তিনি প্রথম ওনাকে আমরা আমন্ত্রণ করে এখানে এনেছি। তবে আগামী যে নির্বাচন লোকসভায়, এই নির্বাচনে এবারও তিনি সংসদ পদে যাই হোক, মানে উনি এবার প্রার্থী। কাজে আমরা হকার কোনার ব্যবসায়ী সমিতি সকল ব্যবসায়ী বন্ধু এবং হকার কোনার ব্যবসায়ী সমিতি সকল সদস্য তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তবে আগামী নির্বাচনে তার এই যাত্রা শুভ হোক, এই কামনা আমরা সবসময় রাখছি। ধন্যবাদ। এবার আপনাদের সামনে বলবেন আমাদের সংসদ মাননীয় শ্রী রাজু বিশ্বাস মহাশয়, আপনাদের এই নির্বাচনী কিছু আলোচনা আপনাদের শোনাবেন। আপ সবই হকার্স মার্কেট সমিতি কে সবই সদস্যগণ আর
इस मार्केट से जुड़े हुए सभी सिलीगुड़ी की जनता, या 1040 दुकानें हैं और करीब 30,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं। और ये पूरा मतलब क्या है, मतलब रेलवे का जमीन है या लीज है? आधा लीज है, आधा रेलवे का है। बाकी और क्या समस्या है? समस्या है हम लोग का जो मार्केट है, हम लोग का कोई अपना घोड़ा चाहिए, रेल का जमीन अपना होना चाहिए। आप लोगों ने उसके लिए कुछ कोशिश किया है कि ये डेपुटेशन दिया है? रेलवे का क्या है इधर आसपास? यही से इसी रोड से जाता है क्या? तो ये इस जमीन में उनको देने में कोई तकलीफ नहीं है? रेलवे रेलवे को कोई दिक्कत नहीं है? रेलवे को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को देना चाहिए। राज्य सरकार को तो नहीं देगा, वो भेज देगा सीधा आपको ही देगा। मार्केट का 50% जमीन राज्य सरकार लेकिन हम लोग को बोला ही, लेकिन कोई चीज कर रहा है जो मार्केट बनाने के लिए, हम लोग आंदोलन कर रहा है, हम लोग को छोड़ के कुछ भी कर नहीं सकेगा। हम लोग को देखा जो है वो भी छिल रहा है, उसको देगा तो वो बेच देगा। हम लोग उसको रेलवे ने जमीन दिया पार्किंग बनाने के लिए, उसमें कमर्शियल बिल्डिंग ठोक दिया और रेगुलेटेड मार्केट में कहा 30 दुकान बनाओ, 40 बना दिया और 10 तो खा गया। ये सच्चाई है, मुझे कोई संकोच नहीं है कहते हुए, मैं इसलिए समझना चाह रहा था आप लोग। अभी तो क्योंकि चुनाव का समय है, 26 तारीख के बाद आप लोग मिली है और SJDA जो करना चाहता है या तो वो आपको अकोमोडेट करे, आपके लिए कुछ करना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन बना के दूसरे को बेचना चाहता है फिर तो वो गलत है। तो और रेलवे की तरफ से जो भी बन चाहेगा मैं आपके साथ हूँ, उसके लिए भी आप लोग प्रपोजल उनसे रिक्वेस्ट करिए। नॉमिनल क्योंकि 83 से रहते हैं तो कोई नॉमिनल चार्जेस के बहाने जो है आप तो भी आपका भला हो जाएगा। तो प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि देश भर में रेलवे की तो बहुत जमीन है, डिफेंस की बहुत जमीन है और उसमें कई जगह लोग ऑलरेडी बसे हुए हैं, कई बस्तियां बसी हुई है, कई कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे होती है। तो रेलवे वापस तो नहीं दे सकता, लेकिन रेलवे अगर उसमें लेके कुछ पैसा भी रेलवे को मिल जाएगा और लोग जो है हमेशा परेशान रहते हैं उस परेशान से उसको छुट्टी भी मिल जाएगी, तो ये एक अच्छा सबके लिए विन-विन हो सकता है। पंचायत का चुनाव नहीं है, वो मोदी के साथ जो है देश ताकतवर है को साथ देना है और सिलीगुड़ी की जनता ने हमेशा से उनसे प्रेम किया है, साथ दिया है। तो मैं भी आप सब से यही आशीर्वाद देने आया हूँ कि आप सब लोग जो है चाहे मुझे जिताए चाहे मोदी जी को जिताए, बात एक ही है। तो मैं तो तीसरे जो है पानी की पीने की समस्या थी, कॉरपोरेशन को 750 करोड़ रुपए मिला, बालासन से लेकर के वो दार्जिलिंग मोड़ का रोड इतना परेशान रहते हैं, इतना बड़ा शानदार बन रहा है ऑलरेडी, अब नया टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा 3,000 करोड़ का और फुलबारी से सिलीगुड़ी एक रोड बनेगी और सिलीगुड़ी में व्यापार और बढ़ेगा। आप भी ध्यान रखना, सिलीगुड़ी को एक पूरा ट्रेड हब बनाएंगे, उसको विकसित करेंगे और यहाँ पे जो है आसपास के जो देश हैं और आसपास के जो हमारे राज्य हैं और पूरा नॉर्थ ईस्ट उसका एक ट्रेड हब सेंटर बनेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। आप गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 6 लेन की सड़क बनेगी और चारों तरफ रिंग रोड बनेगा, तो आप सोचिए सिलीगुड़ी की साइज फैल भी जाएगी। नया NGP स्टेशन बन रहा है, टाउन स्टेशन को जो है अमृत स्कीम में लिया है। तो कुल मिला के जो काम आज से 50 साल या 30 साल या 20 साल पहले होना चाहिए था आज हो रहा है। कुछ समय जरूर लगा लेकिन काम हो रहा है, उस काम को गति देनी है। और आपको मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी 120 बेड का ESI अस्पताल तैयार हो गया है, ये चुनाव के बाद उसका इनॉग्रेशन होगा। और 500 बेड का नया ESI का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भी सिलीगुड़ी में बन रहा है। तो अगला मेरा टारगेट है जो काम शुरू है उसको समाप्त करना और अस्पताल पे जोर देना और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करना और शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करना, हायर एजुकेशन के लिए जो है एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट बनाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और सबसे मेन ये जो क्राइम बढ़ रहा है इसको खत्म करना, ये जो ड्रग और नशा बढ़ रहा है, युवा हमारे खराब हो रहे हैं, इसको रोकना। और युवाओं के लिए चाहे वो MSME हो, चाहे वो स्टार्टअप हो या अन्य, चाहे वो टूरिज्म हो, इन सब कामों में युवाओं को जोड़ना, ये हमारी 2-3 प्रायोरिटी के काम रहेंगे अगले साल 5 साल के लिए। बस आपका सहायता सहयोग प्रेम इसी तरह से मिलता रहे, मैं काम करता रहूंगा और निस्वार्थ भाव से किसी से 1 रुपया लिए बगैर, आपसे भी कभी मैंने मांगा नहीं, किसी दुकान से 1 रुपया नहीं मांगा और भविष्य में भी नहीं मांगूंगा। और बस आप सबका प्रेम और आशीर्वाद और इसी तरह का जो है आपका विश्वास भरोसा बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री मिलेगा और उसके अलावा जो सोलर होगा वो आप बेचोगे, यानी घर के लिए बिजली भी मिलेगा, बिक्री करके पैसा भी मिलेगा। वो स्कीम शुरू कर दिया उन्होंने और उसको भी हम सिलीगुड़ी चारों तरफ बहुत तेजी के साथ उसको लागू करेंगे और सभी मार्केट एरिया के अंदर में भी रूफटॉप होगा या कैसे होगा, खाली जमीन पे होगा सोलर, क्योंकि ग्रीन एनर्जी है, उससे पोल्यूशन भी नहीं होता और बिजली का बिल भी कम आएगा या नहीं आएगा। और घरों में भी अभी रूफटॉप जो है वो योजना शुरू हुई है तो उसको हम लागू करेंगे, ठीक है। और कुल मिला के भविष्य में आने वाले समय में जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं किसी को तकलीफ नहीं आएगी, 47 का विकसित भारत बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो कुल मिला के हमारे बच्चों का फ्यूचर एकदम सेफ है। राजू जी, विकसित भारत का प्रोग्राम नहीं थे यहाँ? अच्छा, यहाँ पर काफी सारे लेटर पड़ा है जो उनका समस्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सामान गिराओगे पद्म फूल चिन्ह ने पद्म फूल चिन्ह ने।
वोट 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 तीन वोट फुले वोट तीन वोट 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 तीन वोट फुले वोट तीन अमर वोट अपना वोट वोट फुले सब वोट अमर वोट अपना वोट वोट फुले सब वोट अमर वोट अपना वोट वोट फुले सब वोट मनसके पद्म फूल चिन्ह ले वोट तीन वोट तीन सदवी के पद्म फूल चिन्ह ले वोट तीन वोट तीन वोट तीन वोट तीन वोट तीन वोट तीन পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিবেন কোন ধনে मैं क्या है रेडीमेड नहीं पहनता, मैं सिलवाता हूँ, ये रेडीमेड था। जो है सो अस्थाई तो जमीन का जो मालिकाना हक को लेके वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या क्या चर्चा हुई? दिक्कतें हैं उनकी, और विशेष करके बिजली की बिल ज्यादा है, और दूसरा जैसा आपने बताया कि आधा जमीन उनके पास है लीज में, लेकिन आधा अभी भी जो है उनके पास में उसके कागजात नहीं है। मैंने उनसे ये कहा है अभी चुनाव के समय कोई बात करना शायद उतना उचित ना हो। 26 तारीख चुनाव के बाद मैंने उनको कहा है समिति को दोबारा से मिलेंगे, और वहाँ 1000 से ज़्यादा दुकानें और करीब 30,000 लोगों का परिवार का जो है जीवन यापन वहाँ से होता है, तो स्वाभाविक रूप से रेलवे नहीं हटाएगी, लेकिन वो जो असमंजस की जीवन वो जीते हैं उसका कोई कंक्रीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की मैं चेष्टा करूँगा, और मैं चाहूँगा कि उनका जो असमंजस जीवन में बना हुआ है उससे उनको मुक्ति मिले। राजू जी, लोगों का जो आपके प्रति प्यार था वो देख के कैसा लगा? अच्छा है, ये मेरा अपना परिवार है, और मुझे अच्छा लगता है चाहे सिलीगुड़ी हो, दार्जिलिंग हिल्स में हो, और इतना उत्साह और इतनी उत्सुकता रहती है मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति। लोग आकर गले मिल रहे थे आपसे? ये उनका प्यार है, उनकी उनका जो है मेरे प्रति जो है अटूट विश्वास है, और मैं ऋणी हूँ मेरी जनता का, और मैं इसीलिए निस्वार्थ भाव से अपनी जनता की सेवा करता हूँ। मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी मैं भी खरीदूंगा।
जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर, डियर लॉटरी। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 97333970. मैडम घुटने में प्रॉब्लम है, करेक्ट? सीढ़ी चढ़ने में और उतरने में प्रॉब्लम लग रहा है आपको, करेक्ट? He showed her X-ray also. Based on evidence, is diagnosed OA knee, correct? Correct. Correct. And 3, 2, 1, go. Perfect. And perfect. कैसा लग रहा है? आनंदा. आनंदा. हाँ. थोड़ा वॉक करिए. जी. राजू जी स्वागतम, 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 राजू जी स्वागतम।